मूर्ति की बात करें तो ये मूर्ति नौ दुर्गा जो जा रही है तेंदुआ नया पारा देवर बीजा के पास है। चलो चलते अभी अंदर की ओर, हाथी की मूर्ति देखते हैं अभी फिलहाल कलर वाली। वहाँ पर ऊपर में शेर का बहुत बड़ा चेहरा बना रहे हैं, तो अभी फिलहाल इस तरीके से अभी रस्सा खींच खींच के लेकर जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो आज की इस नई वीडियो पर अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ बालम चक्रधारी के पास, और बालम चक्रधारी थनौद में है और थनौद की काफ़ी फेमस मूर्तिकार है। तो यहाँ पर मूर्ति को ले जाया जा रहे हैं जो कि शायद नौ दुर्गा है, नौ दुर्गा माता रानी को लेकर जाने वाले हैं। तो दिखाते हैं हमारे वीडियो के, कंटिन्यू बने रहना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके। तो अभी फिलहाल दिखाता हूँ मैं आपको नौ दुर्गा माता और किस तरीके से ले जाए जा रहे हैं और कहाँ की मूर्ति है ये भी आपको बतलाने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। फिलहाल नौ दुर्गा माता रानी को अभी फिलहाल गाड़ी पर चढ़ाए जा रहे हैं। एक गाड़ी ये है, इसी में अगर पूरा एडजस्ट हो जाएगा तो एडजस्ट करेंगे, अगर कहीं नहीं होगा तो फिर शायद वो भी गाड़ी इन्हीं लोग का है शायद, मुझे लग रहा है। तो देखते हैं अभी फिलहाल एडजस्ट होता है कि नहीं, दिखाते हैं किस तरीके से अभी फिलहाल लोडिंग करते हैं। मूर्ति की बात करें तो ये मूर्ति नौ दुर्गा जो जा रही है तेंदुआ नया पारा देवर बीजा के पास है। बीजा बोलते हैं वहीं पे ही है जहाँ पर मेरा गांव भी है, तो वही जगह का ये मूर्ति है। और यहाँ पर भी अभी फिलहाल मूर्ति है, अभी फिलहाल तैयार हो रही है, पेंटिंग वेंटिंग चल रही है जस्ट, और ये वाली मूर्तियाँ इसमें लोड होकर अंदर में इसके नौ मूर्ति है। जो बालम चक्रधारी वाले व्लॉग नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हो, इस मूर्ति के पूरे दिखा देंगे आपको, मैंने बनाया हुआ है। तो अभी फिलहाल काफ़ी गजब गजब की मूर्ति है, काल रात्रि पहले चढ़ रही है और बड़े बड़े डोर से इसको चढ़ाए जा रहे हैं। देख सो ये मूर्ति काल रात्रि पहले चढ़ाए रहे हैं, देख सकते हो फिलहाल मूर्ति अभी फिलहाल लगभग लगभग पूरी ऊपर चली गई है। और अंदर जाके भी दिखाएंगे अभी फिलहाल, ये दोनों मूर्ति को अंदर करने दो, उसके बाद फिर मैं अंदर चलता हूँ और अंदर की मूर्तियाँ भी दिखाते हैं आपको कलर पेंटिंग वाली किस तरीके से। ये जाने वाली है देवर बीजा तेंदुआ नवा पारा करके लोकेशन है इनका, और जिनसे अभी फिलहाल आठ मूर्ति, अभी फिलहाल नौ दुर्गा में आठ मूर्ति जाने वाली है और एक मूर्ति ये वाली फिलहाल कल जाने वाली है। चलो चलते अभी अंदर की ओर, हाथी की मूर्ति देखते हैं अभी फिलहाल कलर वाली। यहाँ पर तैयार हो रहे, अभी फिलहाल कलर नहीं हुए हैं जस्ट, अभी तैयार हो रहे, अभी ये वाले मूर्ति तैयार हो गई है जो देख सकते हो गणेश जी के साथ था मक्खन खाने वाला। ये देख सकते हो इस तरीके से, ये रही माता रानी और यहाँ पर गणेश जी मक्खन खाते हुए। और ये जो काफ़ी गजब से यहाँ पर आसन बना हुआ है, मयूर का पंख बना हुआ है गणेश माता रानी इस तरीके से। लगभग सारे मूर्ति यहाँ पर तैयार हो चुकी है, चलिए ग्राउंड आपको तैयार मूर्ति दिखा देते हैं। ये वाली माता रानी तैयार हो चुकी है, साड़ी देख सकते हो इस तरीके से साड़ी है, और ये रहा माता रानी का फेस कट। और बात करते हुए फिर श्रृंगार की, लगभग लगभग सारी श्रृंगार हो चुकी है, ये भी माता रानी तैयार हो चुकी है और ढक दिया गया है इसको, माता रानी कुछ इस तरीके से है। और पीछे का जो बैकग्राउंड है फोम वाला जैसे बताया हूँ, ये माता रानी में अभी फिलहाल साड़ी वगैरह पहना ही नहीं है, बाकी सब चीज़ तो लगभग हो गई है। दिखाते हैं ये माता रानी, साड़ी इनकी काफ़ी सिंपल सा और प्यारा सा साड़ी पहना गया है, बहुत ही बढ़िया साड़ी है। और नौ मूर्ति जो जा रहे हैं नौ दुर्गा माता, वो भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से। ये वाली मूर्ति अभी फिलहाल पेंटिंग का काम चल रहा है, ये देखो सब मूर्ति को अभी ढक ढक कर रखे हैं। ये वाली मूर्ति भी आँख वगैरह नहीं बनाया, अभी फिलहाल चल रहा है कंटिन्यू काम। सो ये वाली मूर्ति का अभी फिलहाल गोल्डन कलर में मुकुट बनाए जा रहे हैं और मुकुट का काम अभी भी चल रहा है, देख सकते हो रात रात तक कभी बैठ के काम करेंगे। वहाँ पर ऊपर में शेर का बहुत बड़ा चेहरा बना रहे हैं और राइट साइड फोम का उनका बाल बना रहे हैं, थर्माकोल लगाए गए हैं जिसको पेंटिंग करेंगे, उसके बाद गजब का मूर्ति लगेगी, काफ़ी सुंदर मूर्ति लगेगा ये। और वो भी मूर्ति अभी फिलहाल लगभग लगभग तैयार हो गई है। नौ दुर्गा पीछे में दिखाया था आपको बालम चक्रधारी वाला ब्लॉग देखे होगे तो, ये पूरा ये भी नौ दुर्गा है, ये भी नौ दुर्गा माता है, ये भी मूर्ति है और ये सारे मूर्ति है इनके साथ ही जाने वाले हैं, तो सभी मूर्ति एक साथ जाने वाले हैं अभी फिलहाल। तो अभी फिलहाल इस तरीके से अभी रस्सा खींच खींच के लेकर जा रहे हैं, ये देखो बढ़िया सब के सब मिल के अभी फिलहाल रस्सी खींच रहे हैं। और पीछे का नज़ारा कितना खेती हुआ, कितना हरा भरा नज़र आ रहा है, ये देख सकते कभी खींचते खींचते लेकर जा रहे हैं भाई लोग, काफ़ी बढ़िया। ऊपर बार ट्रक में चढ़ाएंगे तो सारे मूर्ति को अभी फिलहाल ऊपर चढ़ाएंगे, अभी दिखाते हैं आपको। ये भी मूर्ति अभी फिलहाल लगभग लगभग तैयार हो चुकी है, गणेश जी साथ में है माता रानी के, देख सकते हो इस तरीके से। और आँख का काम चल रहा है ऊपर में,
ये माता रानी के लगभग लगभग बाल का कलर कर रहे हैं भैया एक हाथ से, और ऊपर आँख बना रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं। और ये थर्माकोल है, जितना भी ग्रीन दिख रहा है ना, ये थर्माकोल है। इसी तरीके से उस मूर्ति में भी पूरा थर्माकोल लग रही है। ये कुछ था अंदर की माहौल। चलो आपको दिखाते हैं अभी फिलहाल कैसे ऊपर चढ़ाते हैं मूर्ति को। मूर्ति को चढ़ाते बाद फिर अपन चलते, काफ़ी नाइट हो चुकी है। अभी फिलहाल मुझे अर्जेंट काम है, एक कॉल आ गया, तो जिसके कारण से भी फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। ये मूर्ति चढ़ाते हैं उसके बाद फिर अपन निकलते हैं। काफ़ी टाइम लग जाएगा इन लोग को, क्योंकि इन लोग काफ़ी टाइम तक रुकेंगे और जिसके कारण से बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ पर एक एक करके दो मूर्ति आ चुकी है और दोनों मूर्ति को अभी फिलहाल कंटिन्यू अभी फिलहाल ऊपर लेकर चढ़ा रहे हैं। देख सकते हो डोर से एक तरफ से खींचते हैं भाई ऊपर वाले लोग, और नीचे वाले लोग उसको मदद करते हैं, थोड़ा चढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। ये जगह तेंदुआ नवा पारा जो कि देवर बीजे के पास है। एक मूर्ति तो अभी फिलहाल चल गई, ऊपर चढ़े गया है। दूसरी मूर्ति को अभी फिलहाल फिर से चढ़ाते हैं, वही दिखाते हैं आपको। अभी फिलहाल एक मूर्ति यहाँ से आगे से आ रहा है, प्रेमलाल मूर्तिकार के पास से, जिसकी गाड़ी के कारण अभी फिलहाल वहाँ पर रुक गया है। जब तक ये लोड नहीं होगा, जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये पीछे वाली मूर्ति जो गाड़ी है, ये वाली गाड़ी अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बस वो मूर्ति को चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर अपन भी निकलते हैं। देख सकते हो जाम के ऊपर जाम लगते जाती है, क्योंकि तब बाइक ही बाइक है ना भाई साहब, इसलिए। तो देख सकते हो सब के सब चढ़ाए जा रहे हैं भाई, काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ के लोग भी, और जो मूर्ति लेने आते हैं उन लोग भी, सभी के मदद से अभी फिलहाल यहाँ का मूर्ति को लेकर जाते हैं और सभी सपोर्ट में। तो देख सकते हो उठा लिया मूर्ति को इस तरीके से, अभी चल रही है मूर्ति ऊपर की ओर। बस जस्ट निकल गई ये मूवी मूर्ति। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल है यहाँ पर। तो गाइस कुछ इस तरीके से था थनौत का माहौल, और काफ़ी ज़्यादा अभी फिलहाल मेला लगी हुई है एक प्रकार से। सो आज 24 सितंबर है और कल 25 और 26 को भी मूर्ति यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। अभी फिलहाल बालम चक्रधारी के जस्ट बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं। तो यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना।